नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिग बॉस 13 में संस्कारी प्लेबॉय की इमेज लेकर पहुंचे पारस छाबड़ा की जर्नी काफी एंटरटेनिंग थी। शो में माहिरा संग उनकी बॉन्डिंग को लेकर कई सवाल उठे। वहीं घर के बाहर उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी ने माहिरा संग उनकी नजदीकियों को देखकर ब्रेकअप कर लिया। अब पारस ने भी आकांक्षा संग अपने रिलेशन को लेकर कई बातों का खुलासा किया और कहा कि वो आकांक्षा से कभी मिलना नहीं चाहते। अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वहीं खुद पारस भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और स्वयंवर रचा रहे हैं। जी हाँ, पारस छाबड़ा मुझसे शादी करोगे शो में नजर आ रहे हैं। यहाँ 5 लड़कियां पारस से शादी करने के लिए पहुंची, लेकिन अब जो खबर हम बताने जा रहे हैं उससे पारस की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि शो में पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी एंट्री ले सकती। जी हाँ, खबरें हैं कि शो मुझसे शादी करोगे को ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार बनाने के लिए आकांक्षा की एंट्री करवाई जा सकती है। अगर शो में पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा की एंट्री होती है तो दर्शकों को एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि पारस जब बिग बॉस के घर में कैद थे तब बाहर रहते हुए आकांक्षा पुरी उनको काफी सपोर्ट करती दिखाई दे रही थी, लेकिन बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद पारस पूरी तरह से आकांक्षा पुरी को भूलते दिखाई दिए और उन्होंने अपना नया रिश्ता माहिरा शर्मा के साथ जोड़ लिया। ये सब देखने के बाद जब आकांक्षा का दिल टूट गया तो उन्होंने मीडिया के सामने पारस से जुड़ी कुछ निजी बातें भी शेयर कर दी थी, जिसके चलते दोनों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए थे। वही बिग बॉस खत्म होने के बाद कई मौकों पर पारस ने बताया है कि वो अब आकांक्षा के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पारस के साथ सारे रिश्ते खत्म होने के बाद वो उन्हें शादी के लिए कैसे मनाती और उनके आने से पारस का क्या रिएक्शन होता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड न्यूज के साथ। अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पिरिट्स विला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसी ने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डंप अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है मुझसे, तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं जो जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद यू नो आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, डूइंग अ न्यू शो, सो पॉजिटिव, आई डोंट वॉन्ट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और किसी भी सीजन से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरोला आपको कंप्यूटर मानते या तो टीम जेलस हो रहे हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं, आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। ओके, पारस सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी जर्नी रही है बिग बॉस से लेकर अब आपसे शादी करोगे, इसके पहले स्प्लिट्स विला, कितना आप खुद को लकी मानते हैं आप जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिला है? ऑफ कोर्स ये बात है, बिग बॉस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता और फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ खत्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा लकी बात तो मिले और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 15 तारीख को ख़त्म हुआ है एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन 16th, विच इज़ ग्रेट। तो ऑफ कोर्स मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही होगी, जो लोगों को इतनी पसंद आई है और कलर्स वालों को भी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, जहाँ पे वो एक शो भी रहेगा और मेरे लिए एक वो रहेगा कि मैं अपने लिए कंपेनियन भी ढूंढ पाऊँगा। अब यहीं पे कितनी सारी बातें हो जाती है कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, अगर स्ट्रेटजी बनाई थी और मैं उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से अंदर चला हूँ तो आप इतने भड़के क्यों? आपको तो पता था ना, शांत रहते। तो स्ट्रेटजी नहीं थी, आपने कुछ देखा इसलिए आप भड़के, अब आप अलग 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 इंटरव्यूज दे रहे हो। अगर आप इतना प्यार करते हो
और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हो, तो ऐसी बातें नहीं करते होते। और जब आपकी जर्नी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रही है बिग बॉस में और दिल्ली के साथ भी आपकी दुश्मनी रही है, तो हाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि दोस्ती हुई तो उस पर आपका क्या? सर देखिए, तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है। तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है। टास्क के दौरान वी यूज टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे। तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दोस्ती और सिद्धार्थ की दोस्ती ऐसी रहेगी? जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत ही अच्छे नोट पर बाहर निकले हैं, डेफिनेटली हम अभी नंबर में रहेंगे। सिद्धार्थ और नाज बाहर विराट ट्रेंड हुए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग देखी गई तो आपके और मायरा के बीच के लिए स्वयंवर क्यों? किस में स्वयंवर क्यों? ये स्वयंवर क्यों फिर नाज में, सिद्धार्थ और नाज में बाहर विराट ट्रेंड हुए और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई आपके और मायरा के बीच जो भी, तो फिर ये स्वयंवर क्यों? बाहिरा फ्रेंडशिप है, सिर्फ नाज भी एक फ्रेंडशिप है, और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वैसा है नहीं, वो लोगों का नज़र ही है उसको देखने का, पर है हम फ्रेंड्स ही। और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं। तो इसलिए मायरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते, और सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है, तो ऑफकोर्स उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि मायरा अभी ना ही आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का। इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं। आपका स्वयंवर होने वाला है, अगर आपने जो लड़की पसंद की आपकी मम्मी को नहीं पसंद आई तो वो समय क्या यार? ये ना कोई स्वयंवर वयंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है, ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है। ये शो बहुत डिफरेंट है और अब जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखा जाए प्रिंस नरुला आपके ऊपर काफ़ी उन्होंने कमेंट किया, उसके पीछे का क्या कारण, क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ें हैं कि आपके प्रति उनके मन में जो बैठी हुई है? अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्पिरिट्स वाला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डंप अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ठीक है उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है मुझसे, तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं जो जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद यू नो आई एम हैप्पी पॉजिटिव डूइंग अ न्यू शो सो पॉजिटिव, आई डोंट वॉन्ट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और किसी भी सीज़न से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरुला आपको कंपटीटर मानते हैं या तो बीइंग जेलस हो रहे हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है या फिर कंपटीटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं, आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। फिक्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती, फिक्स कुछ नहीं होता इस शो में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जनता देख नहीं रही है, देन अब आपको वोट भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ, सिंपल सी सी बात है। किसी ने कुछ किया, अपने व्यक्तित्व दिखा, सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा, उसकी अच्छी बैड क्वालिटीज़ और सब सारी क्वालिटीज़ उसकी दिखी, फ्रेंडशिप रोमांस ये सब कुछ देखा हमने उसका, तो डिजर्विंग था, टास्क अच्छे किए हैं तो जीत गया वो। और ये भी कहा जाता है कि टास्क में आप डिस्क्वालीफाई करने की बड़ी कोशिश किया, जितने गेम्स टास्क करवाता नहीं वो रद्द करवाता था, हाँ, ये रद्द मैं करवाता नहीं था, वो रद्द हो जाता था, क्योंकि मैं कोई ऐसी टेढ़ी चाल चलता था। आप कभी भी बिग बॉस के कोई भी टास्क उठा के देखना, मैं हमेशा ऐसी टेढ़ी चाल चलता था कि लोग पागल हो जाते थे और वो तोड़नदाड़ी शुरू करते थे, वो करते थे तो ब्लेम मुझ पर आता था, मैं कहता था ओके रद्द ही सही, ठीक है मैंने तुम खुद कर लो। इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने शो में एक दूसरे को जनानी नल्ला
भड़वा क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो एक सिर्फ नल्ला ही वर्ड नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला, और उसने भी हमको बहुत कुछ बोला है। पर हाँ, अच्छी बात है दैट ही वॉज इन टॉप टू, अच्छा लगा उसको देख के वहाँ पर, लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसमें मैं और क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि टॉप टू पे जाके से फिर सैड होने का मतलब नहीं होता। जनता बोल रही है आसिफ इज अ रियल विनर, हाँ डिजर्विंग है, मतलब विनर के लिए जनता को, मैंने तो नहीं सुना आसिम को बहुत तारा प्यार मिला। मैंने बहुत सारे लोगों को सुने हैं, जिन जिन के मैं अकाउंट पे गया हूँ, अभी जितना मैंने फ़ोन पे देखा है अपने अकाउंट से, जितने भी लास्ट सिक्स थे सबके अकाउंट पे गया हूँ, सबको लगता है असली विनर वही है, सबके उनके फैंस ने उनको असली विनर बना रखा है। तो आसिम भी है असली विनर, मैं भी हूँ असली विनर, सिद्धार्थ भी असली विनर, आरती भी है, माहिरा भी है, शहनाज भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विनर कौन हुआ, सिद्धार्थ, हु गॉट द ट्रॉफी और 10 लाख मुझे मिले। सिद्धार्थ हमारा जीता है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेट टू हिम, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो जीता है। अगर मेरे पास नहीं तो उसी के पास जानी चाहिए थी, अगर किसी और के पास जाती तो मैं कहता कि फिक्स है, अभी तक तो मुझे तो फिक्स नहीं लगा, क्योंकि डिजर्विंग मुझे सिद्धार्थ ही दिखता है उस शो में। अच्छा, जो वो गिफ्ट प्राइस था, मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही थी कि वो वाइब भी होती है ना, एक जब मैं एक शो जब जीत रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह एक वाइब आई थी कि हाँ आज मैं जीत रहा हूँ, पक्की वाली फीलिंग थी, पर उस दिन मुझे वो फील नहीं थी। पर हाँ ऐसी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा जो होगा। तो जब मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं इस राउंड को छोड़ के एक राउंड भी आगे जाता हूँ, तो हो सकता है सलमान से यूँ बोल सकते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होता है, पर मुझे वो मौका ही नहीं देना था उनको बोलने का, और खुद जाना था, वो भी प्राइडली, यू नो, प्राउड के साथ जाना था और अच्छा फील करना था। आपके गेम को सबने पसंद किया, खास करके सिद्ध और पाहिरा ने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गेम को पसंद किया, आपके गेम को आपने अच्छा खेला, हाँ मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, जो लोग फैन लोग हैं उनको गेम पसंद आया ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको शायद नहीं पसंद आया होगा, तो जिनको पसंद आया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और खूब सारे वोट्स दिए और आखिर तक बचा के रखा, थैंक यू वेरी मच। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपके स्वयंवर के बाद, क्या आपने कुछ सोचा है, आप माइंडसेट क्या है फिल्मों के लिए या सीरियल्स के लिए कुछ? मैंने बिग बॉस के बाद की भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी कि मैं क्या करूँगा, मुझे लगा था कि मैं यू नो फेम को थोड़ा सा इन्जॉय करूँगा, पर अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, दूसरा शो मिल के नई स्ट्रेटेजी इस शो की शुरू हो गई है, अब जब ये खत्म होने लगेगी फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं। तो मतलब अच्छा, मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने मुझे हेट किया, ट्रॉल किया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बजाता रहूँगा हमेशा, एंड यू कैन नॉट इग्नोर मी, थैंक यू।